नमस्कार, जी एनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सभी को इंतजार है। जो फैसला कुछ ही पलों में आने वाला है उसको लेकर के आम जनता की क्या राय है, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के उधवापुर चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे आस पास के बहुत ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही पलों में कोर्ट का निर्णय आने वाला है, इस संबंध में उन नागरिकों का, ग्रामीणों का क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इशाक। आप कहाँ के रहने वाले हो? मोहना मजरे। मजरे मोहना, कुछ ही पलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बहुत प्रतीक्षित इंतजार किया जा रहा था, का इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, मुद्दा पक्ष में चला जाए, चाहे मुसलमान के किसी, हम लोग सहमत हैं, किसी के पक्ष में चला जाए, ये बवाल खत्म हो जाए बस। हमेशा आप हमेशा शांत बना रहना चाहते हैं, किसी विवाद नहीं पढ़ना चाहते? नहीं, नहीं, कोई विवाद नहीं। अच्छा, आप बताइए नाम क्या है, आप कहाँ के निवासी हो? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह वर्मा, ग्राम जर्मापुर। मैं यही चाहता हूँ कि चाहे हिंदू मंदिर हिंदुओं के पक्ष है या मुसलमानों के पक्ष है, कोई प्रकार का बवाल नहीं। धन्यवाद। आप बताइए भाईजान, आपका शुभ नाम क्या है? नाम है मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, आप कहाँ के निवासी हो? उधवापुर के। जो अभी कुछ ही पलों में निर्णय आने कोर्ट का, इस संबंध में आपका क्या कहना है? कहना कोई आएगा उतर होगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आए वो मानेगा, सब लोग भाईचारा बना के खाएंगे, ऐसा होना ही चाहिए। वो जो है यहाँ पर हिंदू हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सभी लोग आपस में भाईचारा करते हैं। हम आगे बढ़ें, हमारे पड़ोसी हैं, इनकी क्या राय है जो फैसला आने वाला है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद अतहार। मोहम्मद अतहार, आप कहाँ के निवासी हो? मोहना निवासी। तो अभी कुछ ही पल में फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, बावरी मस्जिद विरामगर भूमि का, इसमें क्या कहना है आपका? जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम मानने में तैयार मालिक। अच्छा, अभी कुछ ही पलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला, बहुत प्रतीक्षित फैसला, बावरी मस्जिद श्रीराम जन्मभूमि का, इस संबंध में आपका क्या कहना है? अब जो भी फैसला हो, हिंदू के पक्ष में जाए, मुसलमानों के पक्ष में जाए, उसको मान्य करना चाहिए और हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर शास्त्र पुराणों द्वारा देखा जाए तो हम सब एक ही परिवार के हैं, इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर रहना ही ठीक है, इससे हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उधवापुर चौराहे पर कुछ ग्रामीणों से बातचीत किया। यहाँ की जनता, आम नागरिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जो भी फैसला आए, चाहे हिंदू के पक्ष में आए, चाहे मुसलमान के पक्ष में आए, या सभी हिंदू भाई सभी मुसलमान भाई गई एक दूसरे से मिलकर भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, कोई विवाद नहीं चाहते हैं। तो फैसला बहुत जल्दी आए, सम्मान करेंगे, इसका इस्तकबाल करेंगे, कोई विवाद नहीं है, सभी लोग शांतिप्रिय माहौल में रहना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरामैन विकास यादव के साथ, जेएनआई न्यूज़ से।